लुधियाना पंजाब कंप्लेंट सेल के चेयरमैन अलग हफीज अंजम ने जब से अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं तो ये दरख्वास्तों के अंबार लग गए हैं। तो इसमें मलक हफीज अंजम कोशिशों से कई फ्रीकैन के दरमियान राजीनामे भी तय पा गए हैं। तो बहरहाल ये इधर मलक हफीज अंजम ने इधर धन चकवाल यूट्यूब चैनल से खसूसी गुफ्तगू की है, ये मुलादा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मलक हफीज अंजम चेयरमैन वज़ीरे आला कंप्लेंट सेल डिस्ट्रिक्ट चकवाल आपसे मुखातिब हूँ। मैं चकवाल की मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी आवाम से चंद गुजारिशात कर सकूँ। जब से मैंने डिस्ट्रिक्ट चकवाल का बहसीत चेयरमैन चार्ज संभाला है तो चकवाल के लोगों में एक बेदारी की लहर पैदा हुई है। वो उनके पुराने झगड़े और अपने दरमियान जो इख्तलाफात थे वो भी मेरे पास आए हैं और मुख्तलिफ महकमाजात के लोगों की शिकायत मेरे पास आई हैं। अल्लाह का फजल और करम है कि मैंने चकवाल की आवाम के लोगों को तकसीम करने की बजाय उनकी जो दूरियां थी उसको दूर करने की कोशिश की है और बड़े नॉर्मल इशू थे जो लोगों के दरमियान हवा दे के उन्हें तकसीम करके अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के मुताबिक फैमिलियों में इख्तलाफात डाले गए थे। अल्लाह के फजल करम से चार पाँच ऐसे झगड़े हैं जो इस आफिस में लोग अब शीरो शकर होकर यहाँ से गए हैं। दूसरा, जो महकमाजात के ख़िलाफ़ मेरे पास एप्लीकेशनें आई हैं मैं कुछ यहाँ निपटा दी हैं और कुछ जो सीरियस किस्म की हैं वो CM साहब के ऑफिस में मैं वो भेज रहा हूँ। मौजूदा जो सूरत हाल है सियासी, उसमें आप देख रहे हैं कि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अल्लाह के फजल और करम से चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक फहम फरासत रखते हैं और अपने विजन के मुताबिक उनकी कोशिश है कि इस बेचैनी को और गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया जाए। इसमें उन्होंने बेहतरीन और भरपूर किरदार अदा किया है। वो एक चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि जो हकीकी आज़ादी की तहरीक की जो लहर उठी है उसे पाया तकमील तक पहुँचाया जाए।